Welcome to Maths Hub, my dear students. In this video, we will learn about the curve tracing. Curve tracing का भी जो part हम learn कर रहे हैं, this is parametric curve. Okay, the part which we are study under the curve tracing is parametric curve. Okay, yeah. So the curve they have given trace x equals to a t minus sin t, y equals to a 1 plus cos t. Now why we called it parametric curve? So whenever they have given, जब भी दिया हुआ होता है x as a function of t and y as a function of t, then the equation is said to be parametric equation. क्योंकि जब x y दोनों ही किसी एक third variable t पर depend करते, तो वहाँ हम equation को क्या बोलते हैं? Parametric equation, right? अब parametric equation के लिए अगर हम curve trace कर रहे हैं, तो हम उस curve को क्या बोलेंगे? पैरामेट्रिक कर्व, राइट? देखो जब भी हम कर्व ट्रेस करते हैं, चाहे वो कार्टेशियन हो, पोलार हो, पैरामेट्रिक हो, हमें हमेशा कर्व ट्रेस करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो किसमें होती है? इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स. तो यहाँ टू ट्रेस द कर्व वी नीड टू फाइंड सिमेट्री, वी नीड टू फाइंड टेंजेंट, टेबल एंड देन रीजन वेयर द कर्व एग्जिस्ट, राइट? तो यहाँ जब हम सिमेट्री फाइंड कर रहे हैं, सिमेट्री फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू अप्लाई द रूल, यू हैव टू चेंज टी बाय माइनस टी इन द गिवन इक्वेशन. सी, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, देन वी हैव अ वीडियो बेसिक्स ऑफ पैरामेट्रिक कर्व. जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई वी अप्लाई दिस काइंड ऑफ सिमेट्री. फिर भी इन शॉर्ट आई विल गिव अ डिस्क्रिप्शन. हमारे पास बेसिकली दो टाइप का सिमेट्री होता है जो हम गिवन इक्वेशन में चेक करते हैं. एक होता है टी चेंजेस टू माइनस टी, एक होता है टी चेंजेस टू पाई माइनस टी, राइट? जब हम टी चेंजेस टू माइनस टी करते हैं, तो यहाँ तुम्हें सीधे सीधे सिंपली एक ध्यान रखना है कि जहां भी मुझे एल्जेब्रिक फंक्शन मिल रहा है, एल्जेब्रिक के साथ भले ही ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लेकिन एल्जेब्रिक फंक्शन मिल रहा है, देन फॉर सिमेट्री we have to apply only this rule, get it? जैसे कि यहाँ पर मुझे ये क्या मिल रहा है, यहाँ पर algebraic function मिल रहा है t, वहां मिल रहा है 1, तो यहाँ मैं सिर्फ इसी से symmetry निकाल लूंगी, मुझे इसे check करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जहां पर भी तुम्हें purely trigonometric function मिल रहा है, okay, वहां तुम्हें दोनों rule apply करके symmetry क्या करना है? Determine करना है. So here we need to check only by this symmetry. No need to check by this. अगर आप करते भी हो तो ये सिमेट्री रूल को फिट नहीं होता है. क्यों? क्योंकि सिमेट्री का रूल क्या है यहाँ पर? इफ टी चेंजेस टू माइनस टी और टी चेंजेस टू पाई माइनस टी, एक्स चेंजेस बाय साइन ओनली. साइन ओनली मतलब अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एंड वाई अनचेंज, राइट? इफ दिस टू हैपन्स, तो जो अनचेंज है हम उसके लिए क्या बोलते हैं? सिमेट्री. वाइस वर्सा, अगर y x अनचेंज रहता है और y चेंजेस बाय साइन होता है, तो हम क्या बोलेंगे? सिमेट्री अबाउट x एक्सिस. सो दिस वे यू हैव टू डिटरमाइन द सिमेट्री. तो यहां पर तुम्हें समझ में आ रहा है, यहाँ हमारे पास एल्जेब्रिक कॉम्बिनेशन है, सो वी हैव नो नीड टू चेक द सिमेट्री बाय दिस. वी विल चेक द सिमेट्री बाय कीपिंग t चेंजेस टू माइनस टी. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. हम सिमेट्री डिटरमाइन करने के लिए t को चेंज करेंगे माइनस टी से. यहाँ हमने लिखा x इक्वल्स टू a इन साइड ब्रेकेट t माइनस साइन टी. हियर आई एम चेंजिंग t बाय माइनस टी, सो दिस बिकम माइनस टी एंड दिस बिकम साइन ऑफ माइनस टी. सो दिस बिकम माइनस टी. माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. माइनस माइनस बिकम प्लस, सो दिस बिकम साइन टी. नाउ लुक इट, x चेंजेस बाय साइन ओनली, t का माइनस टी, माइनस साइन टी का प्लस साइन टी. सो दिस इज चेंज्ड बाय साइन, राइट? ओके, नाउ विल चेक द y. y इज a इन साइड ब्रेकेट 1 प्लस कॉस टी. आई एम रिप्लेसिंग t बाय माइनस टी, 1 रिमेंस एज इट इज क्योंकि कॉन्स्टेंट है. दिस बिकम कॉस ऑफ माइनस टी, तो यहाँ कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, सो ये मुझे मिलेगा a 1 प्लस कॉस टी. So what it says, y remains unchanged and x changes by sign only. What does it mean? When t changes to minus t, y unchanged, right?
Therefore, curve is symmetric about y, right? अब मुझे सिमेट्री मिल गई है, विल गोज ऑन द सेकेंड पॉइंट विच इज टेंजेंट, राइट? जब हम टेंजेंट डिटरमाइन करते हैं तो जो बेसिकली टेंजेंट की वैल्यू होती है वो होती है dy by dx. लेकिन यहां पर तो x और y फंक्शन ऑफ t है, y इज नॉट द फंक्शन ऑफ x. सो टू डिटरमाइन टेंजेंट हाउ वी राइट इट, dy by dt एंड दिस इज dx by dt. सो व्हाट डज इट मीन, मुझे y और x को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, और जो भी वैल्यूज आएगी उससे मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, टेंजेंट की. गॉट इट? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ वी फाइंड द टेंजेंट. ओके, सो टू डिटरमाइन टेंजेंट आई एम गोइंग टू राइट हियर द फॉर्मूला, dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन में dx by dt. सो विल डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t. हियर x इज t माइनस sin t. ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू t मुझे क्या मिलेगा, a एज इट इज, t का 1, sin t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos t, राइट? वैसे ही आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t. यहां पर a एज इट इज इन साइड ब्रैकेट 1 का 0 और cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin t, राइट? सो दिस आर द डिफरेंशिएशन, dx by dt एंड दिस इज dy by dt. विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, तो मुझे यहाँ क्या मिलता है, दिस कम्स टू बी dy by dt. आई हैव टू राइट फर्स्ट, दैट इज माइनस a sin t एंड हियर आई हैव a 1 माइनस cos t, गेट कैंसल. सो दिस इज द टेंजेंट dy by dx. लेकिन यहां पर बुक्स में या जनरली सब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, इसको हाफ एंगल फॉर्मूले में लिखते हैं एंड देन दे आर सॉल्विंग. तो बोथ आर ओके, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द हाफ एंगल फॉर्मूला देन दिस dy by dx इज ऑल्सो इनफ. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू बोथ द वे टू डिटरमाइनिंग द टेंजेंट. यहां तक हमने सॉल्व किया dy by dx, आई एम गेटिंग माइनस sin t by 1 माइनस cos t. इसको हम हाफ एंगल लगाएंगे तो sin t को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin t by 2 cos t by 2 एंड 1 माइनस cos t कैन रिटर्न इज 2 sin square t by 2. दिस आर दी हाफ एंगल फॉर्मूलेज ऑफ sin cos, राइट? यहां से ये 2 से 2 कैंसिल, एक sin से sin कैंसिल. तो मुझे यहां सिंप्लीफाई करके dy by dx क्या मिलता है, दिस इज माइनस cos t by 2 by sin t by 2. दिस आई कैन राइट माइनस का cot t by 2. सी ये भी ओके है और ये टेंजेंट भी ओके है. जब हम टेबल फॉर्म करेंगे विल टेल यू कि हम कैसे टेंजेंट डिटरमाइन करते हैं, इधर बाय दिस और बाय दिस. सो सेकेंड स्टेप वी हैव क्रॉस्ड, दैट इज टेंजेंट. तो हमें टेंजेंट क्या मिला है, माइनस sin t by 1 minus cos t, or you can write minus ka cot t by 2. To determine the table, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हम t की values रखेंगे, उसके corresponding हम किसकी value निकालेंगे, x, y and divide by dx. Now we determine the third point, that is table. Table के लिए हमने क्या करा है, table बनाई है जहां पर हम t के value substitute करेंगे. कहाँ कहाँ पर, in the equation, this, this and dy by dx, और उसके करस्पॉन्डिंग हम किसकी वैल्यूज निकालेंगे, x, y एंड dy by dx की. इन पॉइंट्स के बेसिस पे फाइनली वी ट्रेस द कर्व. देखो यहाँ पर x और y t के फंक्शन है, इसलिए हम x और y की वैल्यूज डायरेक्टली नहीं रख सकते, हमें t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके उसके करस्पॉन्डिंग x, y एंड dy by dx निकालना पड़ेगा, राइट? अब मैंने यहाँ पर, जब भी तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन आता है, भले ही एल्जेब्रिक के साथ आ रहा है, तो मैं क्या करना है, वैल्यूज लेनी है, 0 पाई 2 पाई, ये सबसे इजी वैल्यूज रहती है जिससे हमारा कर्व ट्रेस अच्छे से होता है. देखो अब मैंने टी को 0 रखा, यहां पर साइन 0 0, ये भी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0. तो मुझे एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0. यहां पर रखा कॉस 0 होता है 1, 1 प्लस 1 2, तो मुझे वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 है.
अब dy by dx की वैल्यू निकालेंगे एट द सेम वैल्यू दैट इज t इक्वल्स टू जीरो, यहां पर रखा मैंने तो मुझे यहाँ क्या मिलता है साइन जीरो जीरो और ये कॉस जीरो वन, वन माइनस वन इज जीरो। फाइन, ये तुम्हें जो मिला है जीरो बाई जीरो, दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है इसलिए हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू जीरो है या इन्फिनिटी। देखो मोस्टली डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू या तो तुमको जीरो मिलेगी या इन्फिनिटी मिलेगी और उसी से हम कंक्लूड करते हैं टेंजेंट का। अगर इन्फिनिटी है देन द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर जीरो मिलती है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट दिस इज द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जहां हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है या इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या करते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं विच इज वेरी सिंपल। क्या करना है आपको, न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है और फिर से t इक्वल्स टू क्या रखना है जीरो। तो यहां देखो जब मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो मुझे यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन मिला cos t, यहां पर वन का डिफरेंशिएशन जीरो, u बाई वी नहीं लगाना है, सेपरेटली न्यूमरेटर सेपरेटली डिनोमिनेटर। वन का जीरो माइनस cos t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन प्लस का साइन t। ओके, अब फिर से मैंने t जीरो रखा, cos जीरो होता है वन, साइन जीरो होता है जीरो, तो अब मुझे क्या मिली वैल्यू वन बाई जीरो दैट इज इन्फिनिटी। गॉट इट? तो मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिल रहा है इन्फिनिटी। अब दूसरी बात कि अगर हम हाफ एंगल से करते तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली t इक्वल्स टू जीरो रखना है, cot जीरो होता है इन्फिनिटी, इधर बाय दिस और बाय दिस तुम्हें वैल्यू क्या मिलती है सेम। अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है इसका मतलब क्या, टेंजेंट क्या है पैरेलल टू y एक्सिस। गॉट इट? नाउ विल टेक द सेकेंड पॉइंट विच इज पाई एंड द थर्ड आई एम टेकिंग टू पाई। अब मैंने यहां पर वैल्यू रखी पाई, साइन एन पाई इज जीरो, साइन पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई हमेशा ये क्या होता है जीरो होता है। तो यहां मुझे वैल्यू क्या मिली x इक्वल्स टू ए पाई माइनस जीरो दैट इज ए पाई। राइट, अब हम इधर देखेंगे यहां पर cos पाई होता है माइनस वन, वन माइनस वन बिकम जीरो, ये वैल्यू मुझे मिल गई जीरो। नाउ लुक एट द टेंजेंट, टेंजेंट में रखा साइन पाई होता है जीरो और cos पाई होता है माइनस वन, माइनस माइनस बिकम प्लस, जीरो बाई टू, जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो। तो मुझे टेंजेंट की वैल्यू कितनी मिली जीरो, टेंजेंट जीरो मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां टेंजेंट क्या है पैरेलल टू x एक्सिस। राइट, नाउ पुट द वैल्यू टू पाई, साइन टू पाई इज अगेन जीरो, यहां मैंने टू पाई रखा तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है टू ए पाई। ओके, यहां पर वैल्यू रखी मैंने कॉस टू पाई होता है वन, क्योंकि इवन पे वन, वन प्लस वन टू, तो यहां मुझे वैल्यू कितनी मिली टू ए। नाउ टेंजेंट, टेंजेंट में मैंने रखा साइन टू पाई इज जीरो, ओके कॉस टू पाई इज वन, तो फिर से मुझे क्या मिल रहा है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जीरो बाय जीरो। जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो यहां मुझे मिला साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी और इसका जीरो, इसका प्लस का साइन टी, फिर से वैल्यू रखेंगे टू पाई रखना है इस बार, कॉस टू पाई इज वन विद अ माइनस साइन एंड साइन पाई इज जीरो, वन बाई जीरो इज इन्फिनिटी। तो मुझे यहां पर टेंजेंट क्या मिला फिर से इन्फिनिटी दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। दिस डन। अब हमने जब टेबल फॉर्म कर लिया है तो हमारा लास्ट काम है कर्व ट्रेस करना। हाउ टू ट्रेस द कर्व, जस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ओके, देखो टेंजेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, तो टेंजेंट जो होता है इट ऑलवेज गिव्स डायरेक्शन टू द कर्व, ओके एंड टचेस द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट, इसलिए विदाउट टेंजेंट यू कैन नॉट ट्रेस द कर्व। टू ट्रेस द कर्व, अब जब हम कर्व ट्रेस कर रहे हैं तो ये कार्टेशियन फॉर्म में ही ट्रेस होता है। कार्टेशियन मतलब यहां पर एक्स और वाई एक्सिस में ही कर्व ट्रेस होगा, ठीक है, कभी भी कर्व टी के एक्सिस में नहीं होता है, क्योंकि टी तो हमने उसको हेल्प लिया था टू डिटरमाइन एक्स एंड वाई। तो जो कर्व ट्रेस हो रहा है वो कहां हो रहा है, कार्टेशियन में, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे।
तो हम पॉइंट्स भी किसके देखेंगे बेटा, एक्स एंड वाई के। अब यहाँ देखो एक्स इक्वल्स टू, पहले हम यहाँ पर पॉइंट्स क्या लेना है वो ले लेते हैं। तो जब हम एक्स की लाइन देखेंगे मुझे क्या दिख रहा है पॉइंट्स कैसे, जीरो ए पाई, टू ए पाई, थ्री ए पाई, फोर ए पाई। तो यहां मैं इस पे एक्सिस पे पॉइंट्स कैसे लूंगी, दिस इज जीरो, दिस आई एम टेकिंग ए पाई, दिस आई एम टेकिंग टू ए पाई एंड सो ऑन। नाउ वाई के पॉइंट्स देखो क्या दिख रहे हैं मुझे, टू ए कॉमा जीरो। तो ये तो हो गया जीरो, यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया ए और यहां पर एक पॉइंट ले लिया टू ए। ठीक, दिस वे मैंने मेरे एक्स एंड वाई एक्सिस पे पॉइंट्स ले लिए। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रेस द कर्व। जब भी कर्व ट्रेस करना हो सबसे पहले पॉइंट्स ट्रेस करो, उसका टेंजेंट ट्रेस करो। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स जीरो वाई टू है। एक्स जीरो है मतलब वाई एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है, दिस इज द पॉइंट विच इज क्या है, जीरो कॉमा टू है। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम टेंजेंट ले लेंगे यहां पर, दिस इज द टेंजेंट, क्या बोल रहे हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस पॉइंट पे पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब यहीं पर क्या है, टेंजेंट है, राइट। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, जीरो ए पाई कॉमा जीरो, मतलब ये वाला पॉइंट है। ठीक, आई एम गोइंग टू राइट हियर, दिस इज द पॉइंट ए पाई कॉमा जीरो। टेंजेंट क्या है यहां पर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस इटसेल्फ टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया, राइट। अब देखो थर्ड क्या है पॉइंट, टू ए पाई कॉमा टू ए, मतलब यहां पर मुझे थर्ड पॉइंट मिल रहा है, इसके लिए टेंजेंट देखे तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो दिस इज द पॉइंट इज टू ए पाई कॉमा टू ए और इस पे टेंजेंट है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस इसके पैरेलल। सो दिस इज द टेंजेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हमने क्या करे, सारे पॉइंट्स ट्रेस किए और उसके टेंजेंट ट्रेस किए। अब मुझे क्या करना है, नाउ आई एम गोइंग टू ट्रेस द कर्व। कर्व ट्रेस करने के लिए टेंजेंट क्या करता है, गिव्स द डायरेक्शन टू द कर्व एंड टचेस एट अ सिंगल पॉइंट। तो हम ये जो दो पॉइंट्स है, ये एक मेरा पॉइंट है एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, कैसे करेंगे, टचेस द टेंजेंट। तो ये पॉइंट इस टेंजेंट को टच करके आगे जाएगा, ये इस टेंजेंट को टच करके आगे जाएगा, राइट। तो ये मुझे एक पॉइंट मिला, राइट। अब यहां से हम आगे जाएंगे, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये भी फ्री हैंड आपको करना है। अब ये देखो ये टचेस द टेंजेंट एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, ये टचेस द टेंजेंट एंड कम्स हियर, राइट। एज द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमिलर कर्व विल बी हियर। सो दिस इज द कर्व विच इज हियर, दिस इज द कंटिन्यूस कर्व, सो दिस कम्स लाइक दिस। क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे कर्व ट्रेस करना है। ऑलवेज कीप इन माइंड टेंजेंट टचेस द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट एंड गिव्स द डायरेक्शन टू द कर्व। सो दिस वे दिस कर्व कम्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द फोर्थ पॉइंट विच इज रीजन। देखो कार्टेशियन में हम रीजन ऑफ एब्सेंस निकालते थे, यहां पर भी हम रीजन ऑफ एब्सेंस निकाल सकते हैं। अगर आप रीजन ऑफ एब्सेंस लिखोगे, पहले समझते कर्व कहां कहां पर है। तो लुक एट दिस इज द एक्स एक्सिस वेयर द कर्व इज कंटिन्यूइंग अप टू इन्फिनिटी फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड। तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब वर्टिकल देखते हैं, वाई एक्सिस में देखते हैं, तो वाई एक्सिस में टू ए इस पॉइंट के आगे कर्व नहीं है, जीरो से माइनस इन्फिनिटी कर्व नहीं है। तो तुम दोनों लिख सकते हो, इधर यू कैन राइट रीजन ऑफ एब्सेंस और यू कैन राइट रीजन वेयर द कर्व एग्जिस्ट। ठीक, तो अगर कर्व कहां एग्जिस्ट कर रहा है वो लिखना है, तो मुझे क्या दिख रहा है, कर्व एक्स एक्सिस के लिए एग्जिस्ट करता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और वाई एक्सिस के लिए एग्जिस्ट करता है जीरो टू टू ए। ठीक, एब्सेंस लिखना है तो इसका अपोजिट लिखना है, क्या कि y ग्रेटर देन 2a पर कर्व नहीं है, y लेस देन 0 पर कर्व नहीं है, x पे तो कर्व एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट। सो दिस इज दी ऑल अबाउट दी क्वेश्चंस, आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे रिक्वेस्ट थी कि मैम इसके क्वेश्चंस और सॉल्व करवाइए, सो आई एम डूइंग दिस फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो